क्या आपको पता है फातिमा बेगम भारतीय सिनेमा की सबसे पहली महिला फिल्म डायरेक्टर थी। साल 1892 से 1983 तक एक्टिव रही फातिमा बेगम एक एक्ट्रेस और एक स्क्रीन राइटर थी। साथ ही इनको भारतीय सिनेमा की सबसे पहली महिला फिल्म डायरेक्टर के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। आपको बता दूं कि फातिमा बेगम ने 4 साल के अंदर ही कई फिल्मों को लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। फातिमा बेगम द्वारा डायरेक्ट की गई सबसे पहली फिल्म का नाम बुलबुले परिश्ता था। फातिमा बेगम ने फातिमा फिल्म्स के नाम से खुद का प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था, जिसके तहत उन्होंने चंद्रावली और हीर रांझा जैसी कई प्रोमिनेंट फिल्में बनाई थी। बाद में फातिमा फिल्म्स का नाम बदलकर विक्टोरिया फातिमा फिल्म्स कर दिया गया था। बाय द वे, क्या आप इससे पहले फातिमा बेगम के बारे में जानते थे या नहीं, कॉमेंट में जरूर बताना।